हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रिबन का फ्रेंच नॉट बनाना सिखाऊंगी। फ्रेंच नॉट मैंने जैसे एम्ब्रॉयडरी में यूज़ होता है आमतौर पे, अपनी एक वीडियो में मैंने आपको बना के दिखाया है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी। ये जो रिबन से बनाते हैं हम, कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ऑलमोस्ट प्रोसेस वही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें हम ज़्यादा बल देते हैं अपने धागे को, जो थ्रेड होता है, और इसमें हम बल कम देते हैं। इसके लिए मैंने 3 मिलीमीटर का रिबन यूज़ किया है, ये आमतौर पर मिल जाता है, और शायद सबसे पतला रिबन यही होता है। अगर आपको इससे भी पतला मिल जाए तो आपका काम थोड़ा और ज़्यादा बारीक सा लगेगा। और ये साटन का रिबन है, बहुत सारे कलर से मिलता है। और जो आप सुई यूज़ करेंगे रिबन वर्क के लिए, सुई जो है वो बड़े होल की, जो बड़ी आई होती है इसकी, वो यूज़ होती है। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, इसका होल इतना बड़ा है ताकि आपका जो रिबन है वो ईजिली अंदर चला जाए। अगर टाइट होगा, थोड़ा छोटा इसका होगा होल, तो अगर आपका चला भी गया ये रिबन, फंसा रहेगा और ख़राब हो जाएगा। तो थोड़े बड़े होल की हो, और सुई जो है वो ब्लंट नोक वाली होनी चाहिए। जैसे ये मेरी ब्लंट है, ज़रा शार्प नहीं है ये, तो ये आपका जो रिबन है इसको ज़रा सेफ रखती है ये सुई। अब मैंने जो स्टार्ट किया था, तो मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने नॉट जो है वो आम नॉट जो होती है कॉमन किस्म की, इस तरह करके मैं लगा ली अपना स्टार्ट करने के लिए। ये मैंने नॉट लगा ली थी और फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। अब मैं ये नॉट काट रही हूँ इसलिए कि मैंने स्टार्ट किया हुआ है ऑलरेडी, आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैंने ये नॉट लगाई थी एंड में। अब जो भी आपने शेप बनाई हुई है अपनी फ्लावर की, या जो बीज का जीरे का पार्ट होता है, पॉलन ग्रेन्स का, वो बनाना है, जो भी बनाना है आपको, उसके अंदर आप ये फिर स्टार्ट कर देते हैं अपना डिज़ाइन। अब इसको आप थोड़ा सा पकड़ेंगे अपने थंब से और इंडेक्स फिंगर से, और सिर्फ इसको एक दफ़ा टर्न करना है। ये आपने लिया अपनी सुई, बैक पे लेकर गए, और बस एक आपको ये इस तरह करके, फिर आप इसको खींच लीजिए अपने दूसरे हाथ से, और ये सुई आपने अंदर डाल दी। इसको पकड़े रहना है, ये वाला जो पार्ट है, इसलिए कि अगर लूज़ हो गया आपका ये, तो आपका फ्रेंच नॉट जो है वो खूबसूरत नहीं बनेगा। फिर आप हल्के हल्के इसको खींच लीजिए, देखिए ये फ्रेंच नॉट बन गया हमारा कितना इजीली। फ्रेंच नॉट आइदर आप थ्रेड से बना रहे हैं या इससे बना रहे हैं रिबन से, इन दोनों की खूबसूरती ये होती है कि ज़रा करीब करीब आपका काम हो ताकि भरा हुआ नज़र आए। अब इसको फिर आपने, हम पकड़ेंगे इसको ऐसे और बैक से लाए और ऐसे किया जैसे ये, और फिर करीब में ही आपको जहाँ से आपने सुई निकाली थी उसके बस ज़रा से फासले से सुई अंदर डाल देंगे आप। ये ख्याल रखना है आपको कि जब आप इस तरह ये ट्विस्ट करके डालेंगी तो कपड़े के अंदर डालना है और उसमें रिबन के अंदर ना जाए आपकी सुई, वरना ज़ाहिर रिबन फंस जाएगा तो वो आप खींच नहीं सकेंगी और नॉट नहीं बनेगी। ये इस तरह बन गया। मैं एक दो आपको और बना के दिखा दूँ, ये बहुत इजी है। अच्छे देंगे, कितना खूबसूरत उभरा हुआ 3D इफेक्ट आ रहा होता है। और ये रिबन भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ये बहुत जल्दी होने वाला काम है। किया अभी इसी तरह आपको बस कंप्लीट करना है अपना। आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे मैं एक ही कलर यूज कर रही हूं, आप इसमें डिफरेंट कलर भी यूज कर सकते हैं, कि आपने थोड़ा पार्ट जो है वो डार्क कलर में कर लिया ताकि आपका फ्लावर जो है ज्यादा खूबसूरत लगे और थोड़े शेड्स आए आपके फ्लावर के अंदर। तो मैं ये अभी करके आपको दिखाती हूँ ताकि कंप्लीट आपको पता चले कैसा लुक आएगा। देखिए हमारा ये पॉलन ग्रेन्स वाला पार्ट फ्रेंच नॉट का रिबन के साथ जो बनाया, ये कंप्लीट हो गया है। ये जो पेटल्स मैंने बनाई हैं, जो आपको नज़र आ रही हैं लाइट पिंक कलर की, ये मैंने ऑर्गेन्जा के रिबन से बनाई हैं और स्ट्रेट स्टिच से। और ये जो लीफ बनाया है मैंने, ये मैंने इसका लीफ स्टिच जो होता है उससे बनाया है। मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी,
तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी आपको, ताकि आप देख लें कि वो किस तरह बनती है। ये डंडी मैंने स्टेम स्टिच से बनाई है, और इसके भी मैं वीडियो लिंक दे दूंगी जो मैं जिसमें मैंने आपको सिखाई थी है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको पीछे फिनिश कैसे करेंगे? ये हमारा बारीक रिबिन ही है, तो ये अंदर आप किसी भी उसमें ले जाएं। आहिस्ता से, ये ख्याल रखिएगा कि आप ज़्यादा खींचे नहीं, पुल ना करें, इसलिए वरना आपका जो फ्रेंच नॉट आपने पीछे बनाया है राइट साइड पे, वो फिर ख़राब हो जाएगा। ये आपने दो दफ़ा कर लिया, इस तरह ये नॉट सी बन गई। फिर आप अपना काट दीजिए, ये आपका फ्रेंच नॉट का तैयार हो गया। देखें ये हमारा कितना खूबसूरत सा फ्लावर बन गया, और इतनी जल्दी बन गया। ये रिबन का जो काम होता है, ये आपको अगर जल्दी कोई अपना काम जो है भरना है, कोई जगह फिल करनी है सूट की, दुपट्टे की, या किसी भी चीज़ की, कुशन की, तो ये बहुत जल्दी होने वाला है और इजीली अवेलेबल, और बहुत खूबसूरत लगता है ये। तो यकीनन आपको ये खूबसूरत सा फ्लावर पसंद आया होगा और आप बनाएंगे। अगर कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई और क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइए मुझे। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।